अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है और इसे ये ग्रिल है, इसे कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, इसे अनबॉक्स करते हैं। ये ग्रिल है, इसे ओपन किया। इसमें आप काफ़ी सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं, काफ़ी कुछ बना सकते हैं। ये देखिए, इसे ओपन करते हैं। इसमें ये साइड में ये एक लॉक है, इसे हम लॉक करेंगे इस तरह से और ओपन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये ग्रिल है और इसके साइड में ये एक बटन है, स्विच है, जो ऑन एंड ऑफ का है। इस तरह से हम ऑन और ऑफ करेंगे। कुकिंग विद सूफी अली, आज मैं बनाने जा रही हूँ शावरमा, वो भी होममेड और बहुत ही लजीज टेस्टी, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो उसके लिए बहुत ही कम चीज़ों से मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा चिकन लिया है, कोकम्बर लिया है और थोड़े से मैंने लेटस लिए हैं। ये केचप, टोमेटो केचप है, मायोनीज है और हॉट सॉस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सेम इसी तरह से हम सारे बना लेंगे, जैसे वो बनाए हैं इसी तरह से ये वाले भी हम बना लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसान है। इसमें हॉट सॉस ऑप्शनल है, अगर आपके बच्चों को पसंद है तो आप तभी डालें। मेरे बच्चों को पसंद है तो मैं इसीलिए डाल रही हूँ इसमें। इसमें मायो डालेंगे इस तरह से और हॉट सॉस। अब हम चलिए इसे ग्रिल में रख के आपको दिखाते हैं। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और ग्रिल में रखते हैं। देखिए, ग्रिल को मैंने ऑन किया है। अब इस पर थोड़ा सा हम बटर ग्रीस करेंगे, हल्का सा एकदम, इस तरह से बिल्कुल हल्का सा। और हम अपने सारे शावरमा इस पर इस तरह से रख देंगे इस तरह से और इसको बंद कर देंगे। और ये मैंने ऑन कर दिया है। चलिए चेक करते हैं हमारा शावरमा। वाह माशाल्लाह, क्या शावरमा रेडी है। अब सबसे पहले हम इसे ऑफ करेंगे और इनको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। देखिए, हमारे मज़ेदार से शावरमा रेडी है। तो हम इनको प्लेट करते हैं और आपको दिखाते हैं, एक कट करके दिखाते हैं आपको इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से देखिए, क्या कितने ज़बरदस्त से माशाल्लाह शावरमा हमारे रेडी हो गए हैं। तो आप लोगों को अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।